उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, सुशील स्नेही माताओं तथा बहनों, अध्यात्म जब चरम सीमा पर पहुंचता है तब जीवन जीने की सही दिशा देता है। या जीवन जीने की सही दिशा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हम देख रहे हैं श्रावक के 21 गुण। हम क्या देख रहे हैं? श्रावक के 21 गुण। लेकिन 21 गुणों के बीच बीच में रोड ब्रेकर आते जा रहे हैं और वो 21 गुण लगते ही जा रहे हैं। हमने देखा पहला गुण अक्षुद्रता। अक्षुद्रता श्रावक क्षुद्र रहने वाला ना हो। दूसरा देखा स्वस्थता। बहुत जरूरी है जिंदगी में स्वस्थ रहना। तीसरा देखा सौम्यता। उसके बाद में चौथा लोकप्रियता, पांचवा अक्रूरता, छठा पाप भीरुता, सातवा अशठता, आठवा सुदक्षता, नौवा लज्जावान। नवा गुण कौन सा? लाज सुधारे काज। दसवा कृतज्ञता। हमारे भीतर में नहीं, हमारे रोम रोम में कृतज्ञता के भाव होना, धन्यता के भाव होना। हम धन्य हुए हमें जिन शासन मिला, हम धन्य हुए हमें वीतराग परमात्मा की वाणी सुनने का मौका मिला, हम धन्य हुए हमें शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, पांच महाव्रतों का पालन करने वाले संत मिले। हर क्षण हर पल धन्यता का अनुभव करो, कृतज्ञता का अनुभव करो तो कर्म चुटकी में कट जाएंगे। हर पल खुश रहे, कृतज्ञ रहे। जो कृतज्ञ रहेगा वो हल्का रहेगा। कृतज्ञता ज्ञापित करो। और दसवां गुण, ग्यारहवां गुण दयालुता, बारहवां गुण मध्यस्थता, तेरहवां गुण गुणानुरागिता और आज चौदहवां गुण है ना? आज कितना गुण है? चौदहवां गुण है। आज का गुण है नम्रता। आज का गुण कौन सा है? नम्रता। ये तो अपने को सबको मालूम है, आपको भी मालूम है ना? नम्रता। इंसान को क्या होना? नम्र होना। जो झुकता है वही पाता है और जो अकड़ता है वो टूटता है। संसार में अहंकार, नम्रता, अभिमान, ये इन्होंने कईयों को लूटा है और कईयों को लूटने वाले हैं। ये सबसे बड़े लुटेरे हैं। अरे चोर क्या करेगा? एक जन्म के संपत्ति का हरण करेगा। कुछ 5-10 साल पहले, 20 साल पहले या 50 साल पहले कमाए हुए संपत्ति को चोर चोरी करके ले जाएगा। लेकिन अनंत अनंत जन्मों से हमने जिन गुणों का संग्रह किया है, हमने जिस पुण्य का संग्रह किया है, उस पुण्य को लूटने का काम यदि कोई करता है तो वह अहंकार करता है। कौन करता है? इस अहंकार ने कईयों को लूटा, इस अहंकार ने कईयों को खत्म कर दिया, इस अहंकार ने, इस अभिमान ने कईयों को डुबा दिया। बड़ी बड़ी हस्तियां मिट्टी में मिल गई, बड़ी बड़ी हस्तियां मिट्टी में मिल गई, बड़े बड़े चक्रवर्ती नरक में चले गए। किसकी वजह से? अहंकार। एक अहंकार सगर चक्रवर्ती के मन में
अहंकार आया कि मैंने 6 खंड जीते हैं, 6 खंड तो सभी चक्रवर्ती जीते हैं, मैं तो 7वां खंड जीतूंगा। मैं क्या जीतूंगा? 7वां खंड जीतूंगा। और 7वां खंड जीतने के लिए अपने कितने, कहीं वर्णन आता है 36,000 बेटे और कहीं वर्णन आता है 12,000 बेटे। इतने बेटे इतनी बहुएं, यहाँ तो एक बेटा MBBS बनता है तो माँ बाप का पैर धरती पर नहीं टिकता। एक बच्चा विदेश में रहता है तो माता पिता आकाश में रहते हैं। वहां देखो कितना बेटा, कितना बेटा, इतने सारे बेटे बहुए पोते पोती, 6 खंड का राज्य, इतनी संपत्ति, और मन में अहंकार आ गया कि मुझे तो 7वां खंड साधना है, 6 खंड तो सभी चक्रवर्ती साधते हैं, मेरे में विशेषता ही क्या हुई। ये 7वां खंड साधने के लिए तैयारी करके अपनी सेना सजा करके निकले, तब तब भवनपति के देवता आकर के हाथ जोड़ के समझाते हैं, राजा सम्राट हो आप सम्राट हो, समझ जाओ आज तक 7वां खंड किसी ने साधा नहीं, कोई साधेगा नहीं, न भूतो न भविष्यति, सावधान ये होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं, जो नहीं होने वाला है वही मैं करूंगा, वही मुझे करना है। और देवताओं ने समझाया, देवियों ने समझाया, संतों ने समझाया, लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि कैसी होती है? विपरीत होती, उनकी बुद्धि उल्टी हो गई। नहीं नहीं, जो किसी ने नहीं किया वो मैं करूंगा, और ये करने के लिए वो 7वें खंड को साधने के लिए सेना ली, अपना ईगो साथ लिया। ध्यान रखो, जब ईगो साथ में आता है तब सर्वनाश होता है, समझ जानो। मेरे गुरु जी कहते थे, कई बार चिट्ठियां निकलती थी ना, कई बार चिट्ठियां निकलती थी और उन चिट्ठियों को पंख आते थे। हम कहते थे बाप जी देखो ये अलग प्रकार की चिट्ठी निकली है, तो बाप जी कहते थे भाई चिट्ठियों ने पंख आ गया, चिट्ठियों को पंख आ गए, अब इनकी दशा। अरे चिट्ठी को भी जब पंख आते हैं तो वो भी पतन का कारण बनती है, तो इंसान को अहंकार के पंख आ जाए तो जन्म जन्मांतरों के लिए पतन के खड्डे तैयार है, इस बात को ध्यान रखना। सगर चक्रवर्ती 7वां खंड साधने के लिए चले गए, 7वां खंड, वो सैन्य वो बेटे, सारे समुद्र में हलचल मच गई, और नीचे पृथ्वी तल के नीचे खोद रहे हैं। हाँ, और देवता सामने आके फिर हाथ जोड़ के कहते हैं मान जाओ सगर जी, मान जाओ। लेकिन वो माने क्यों, वो माने क्यों, वो मानने को तैयार नहीं। कहते तुमको मेरा डर लगता है क्या, आओ सामने। किसको चैलेंज दिया, किसको चैलेंज दिया, देवताओं को चैलेंज दिया, आओ सामने, डरते हो क्या। देवता सब सामने आए, युद्ध चालू हुआ, युद्ध चालू हुआ। तब सगर चक्रवर्ती कहते हैं जीत मेरी है, मैं जीत रहा हूं, तुम तो हारने वाले हो। तब देवता कहते भाई ये बात जरूर है कि अभी तुम्हारा पलड़ा भारी है और हमारा पलड़ा झुक रहा है, लेकिन सगर जी इसका कारण कोई और है। हाँ, क्या कारण है? ये मेरा सैन्य, ये मेरे बेटे, ये मेरे 6 खंड का राज्य, ये मेरा पुरुषत्व, ये मेरा पुरुषाकार, ये मेरा पराक्रम, इसके सिवाय और क्या कारण हो सकता है? नहीं 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 नहीं, इसके सिवाय भी एक कारण है,
और जिसकी वजह से हमारा पल्ला झुकता हुआ जा रहा है। बोलो बोलो बोलो, क्या कारण है? बोलो क्या कारण है? तुम बोलो क्या कारण था? तुम बोलो क्या कारण था? क्या कारण था? छह खंड के चक्रवर्ती और इधर सामने धरती स्वर्ग के देवता का पलड़ा नीचे हो रहा था और ये चक्रवर्ती के ईमो का पलड़ा ऊपर हो रहा था। कारण क्या हो सकता है? आप बता सकते हो? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कारण एक ही था कि उनके नौकाओं के ऊपर, उनके नौकाओं के ऊपर रत्नों से नौकार लिखा हुआ था। क्या कारण था? उनके रत्नों के ऊपर, उनके नौका के ऊपर क्या लिखा हुआ था? रत्नों से नौकार लिखा था, हीरो से अरिहंतानम लिखा था, रूबी से नमो सिद्धानम लिखा था, पुखराज से नमो आयरियानम लिखा था, और अन्ने से नमो वज्रानम लिखा था, और नीलम से नमो लोए सवसावनम लिखा था। कहते हैं ये है इसकी वजह से हमारा पलड़ा नीचे जा रहा है। हाँ, इसकी वजह से ये मेरे शस्त्र, ये मेरे बेटे, ये मेरी चतुर्ंगिनी सेना, ये मेरा शौर्य, ये मेरी संपत्ति, और इसके ये इसकी वजह से तुम्हारा पलड़ा नीचे। एक मिनट रुको, नीचे उतरे, ध्यान रखो ईगो, नीचे उतरे, हाथ में तलवार ली और तलवार से क्या है, अपने शस्त्र से सारे उन रत्नों को छील छील के बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? छील छील के बाहर निकाल दिया। और जो ही सारा नौकार मंत्र मिट गया, अब देवता कहते आओ सामने, आओ सामने। और ज्यादा से ज्यादा एक घंटा नहीं लगा, जहां सहित सगर चक्रवर्ती और उनके पुत्र समुद्र में डूब गए और नरक में चले गए। काय की वजह से? क्यों अभी मान करे प्राणी, दो दिन की है जिंदगानी। क्यों अभी मान करे प्राणी, दो दिन की है जिंदगानी। ध्यान रखो कितनी जिंदगी है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी ईगो, थोड़ी देर हुई नहीं हुई, जरा सा कुछ हुआ नहीं हुआ कि ईगो ऐसा टकराता है कि इंसान उसके बीच में झुलस जाता है। ज्ञानी कहते हैं मानव नहीं, जब सगर चक्रवर्ती जैसों का अहंकार उसे कहां लेके गया? नरक में लेके गया, जन्म जन्मांतरों की गति को बिगाड़ दिया। तो हमारी और तुम्हारी बात ही क्या है? आएगा अहंकार। सात प्रकार के मद बताए हैं थानांग सूत्र में, सात प्रकार के मद बताए। मद यानी क्या? अहंकार। मद यानी क्या? अहंकार। कभी धन का मद, कभी तन का मद, कभी ऐश्वर्य का मद। किसका मद? अहंकार किसका? कभी परिवार का मद, कभी ज्ञान का अहंकार, कभी तप का अहंकार। मैं तो चुटकी में उपवास कर लूं, मैं तो चलते चलते मैं स्खलन कर लूं बाप जी, ये तो एक उपवास में ही पड़ी है। अहंकार, तप का अहंकार, ज्ञान का अहंकार। मैं तो एक बार पढ़ू तो याद हो जाता है, ये तो सारा दिन घोकम पट्टी ही करती है। ज्ञान का अहंकार, तप का अहंकार, ध्यान रखना। जाति का मद, जाति का अहंकार, कुल का अहंकार। जाति मद, कुल मद, तप मद, लाभ मद, ऐश्वर्य मद। मैं हूं बाप जी,
मैंने कमाया, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया। ये बोझड़ होते रहे लेकिन कुछ भी नहीं किया। मैं ऐसा बहादुर का बच्चा, गाड़ी बंगला हाँ दुकान, बाजार में दुकान, गांव में मकान, और बाहर गांव के बाहर, गांव के बाहर क्या बनाते हैं आजकल, रिसोर्ट हाँ, घूमने के लिए गाड़ी। कुछ नहीं था मेरे माँ बाप के पास में, नहीं अहंकार मत करो, सब कुछ करो, लेकिन आपका अहंकार कोई दिन आपको लेकर के डूब जाएगा। मत समझो, क्या है ज्ञानियों ने कहा है, नमो नानक नैने होई रहो, जो नानी डूब बड़ा घास कट जात है। नानी डूब की डूब क्या है, नानक नैने होई रहो, छोटे हो करके रहो हाँ, चीटी बन करके शक्कर खाओ, हाथी बन करके नहीं खाना, चीटी बन करके। मराठी में आपने कहते हैं ना, लहानपन देगा देवा, मुंगी साकर याचा रवा, अजून तुम्ही बना, अरवात रत्न थोरा तया अंकुशाचा मान। आता है ना सबको, चीटी बन के खाओ तो सुखी बनोगे, हाथी बन के खाओगे तो धरती पे सूंड लटकेगी हाँ। इस जन्म में अहंकार करोगे, अगले जन्म में हाथी बनोगे, हाथी, और सूंड कहाँ लटकेगी, बहुत नाक रखा ना, नाक बहुत नाक रखा तो अगले जन्म में इतना बड़ा नाक मिला कि जो रोड पर क्या हो रहा है, हाथी की जितना बड़ा नाक किसी का होता है क्या हाँ? नाक रखो लेकिन इतना बड़ा मत रखो, स्वाभिमान रखो लेकिन अहंकार मत रखो। चाहे जितने बड़े हो जाओ लेकिन बड़प्पन का अहंकार मत रखो। और ज्ञानियों ने कहा है, नमे सो आमा आमली, नमे सो दाड़म दाख, एरंड बिचारा क्या नमे, ओछी जिसकी साख। कौन नमता है हाँ? कौन दाड़म और दाक, दाड़म का झाड़ होता है ना, अनार, अनार का झाड़ होता है ना, मौसम्बी संतरा अनार आम जाम, ये जो जातिवान फल है, ये कौन से फल है, जातिवान फल कहलाते हैं, अंगूर, ये जातिवान फल है, ये जब झाड़ को आते हैं ना तो झुक जाती है, झाड़ की डाली क्या होती है, झुक जाती है। और हमारे महाराष्ट्र में एक एरंडी का झाड़ आता है, उस एरंडी को जो खेत के गाय के ऊपर लगाते हैं, किसी ने देखा क्या एरंडी का झाड़, देखा ना, देखा पांडन में, कहाँ लगाते हैं, अपने खेत के बॉर्डर पर ये एरंडी का झाड़ लगाते हैं, उसको चाहे जितनी एरंडी आ जाए लेकिन वो कभी झुकता है क्या, झुकाने के लिए जाओगे तो टूट जाएगा, क्योंकि वो ओछी खानदान का है, उसकी खानदान कैसी है, ओछी खानदान है, जिसकी ऊंची खानदान होती है ना वो झुक जाता है, जिसकी ओछी खानदान होती है ना अकड़ जाता है। खानदानी व्यक्ति की पहचान क्या है, खानदानी व्यक्ति की क्या पहचान है हाँ, झुक जाता है, जो झुकता है वही खानदानी है, और जो झुकता नहीं वो खानदानी नहीं है। ऊंचे वृक्ष, ऊंचे फल वाले वृक्ष जो होते हैं वो झुक जाते हैं, और बड़े लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। हीरे ने कब अपना मोल किया, हीरे ने कब कहा कि मैं लाख रुपए क्या रेट हूं, हीरे ने कभी कहा क्या, कहा क्या, हीरा बोलता ही नहीं, कौन बोलता है तुमको मालूम है क्या, कौन बोलता है हाँ, गहने होते हैं, एक होता है हीरा और एक होती है
एक होता है हीरे का मुकुट और एक होती है चांदी की पायल, जिसको घुंघरू लगे हुए होते हैं, घुंघरू जिसको क्या लगते हैं, वो लगाते हैं ना पायल को, क्या लगाते हैं, घुंघरू, ध्यान रखो, वो बजते हैं छम 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 छम, बजने वाले घुंघरू पैरों में पहने जाते हैं, ध्यान रखो, बजने वाले घुंघरू पैरों में पहने जाते हैं और मौन रहने वाले हीरे मुकुट में सजाते हैं। कहाँ सजते हैं हीरे, कहाँ रखते हैं, और घुंघरू या तो स्त्री के पायल में या कुत्ते के गले में, घुंघरू कहाँ रहते हैं, बराबर है ना बात, ध्यान रखना, स्त्री के पायल में या गाय भैंस बैल और कुत्तों के गले में, ध्यान रखो। अहंकार, अहंकार एक समय पर हुआ ऐसा, ऐसे छत पर एक छिपकली चल रही थी और चलते चलते रुक गई, चिपक गई, छिपकली कहाँ चिपकी, छत को। किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, छिपकली तू छत को कितनी देर तक चिपकेगी, आप थोड़ी बाजू में हो जाना, छत को कितनी देर तक चिपकेगी, अब थोड़ी बाजू में हो जा, तेरे खाने पीने का कोई तो इंतजाम कर ले। तब छिपकली कहती है, अरे मूर्ख मानव, तुझे नहीं मालूम, यदि मैं इस छत से सरक जाऊंगी तो ये छत नीचे गिर जाएगा। छिपकली क्या कहती है, छिपकली क्या कहती है, तुम बोलो, छिपकली के ऊपर छत है या छत को छिपकली है।